9 नवंबर 2021 साउथ अफ्रीका में बोस्वाना में पहली बार एक कोविड का नया वेरिएंट पाया गया, जिसको इन्होंने नाम दिया B.1.1.529। तो ये ओमाइक्रॉन क्या ये सिर्फ ग्रीक अल्फाबेट का 15वां लेटर है या और कुछ? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजेश मिश्रा और आप देख रहे हैं हेल्थ सुपर स्पेशलिस्ट। तो ये ओमाइक्रॉन है क्या? ओमाइक्रॉन बेसिकली एक कोविड का नया वेरिएंट है जिसने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया है, अपना चेहरा पूरी तरह से बदल दिया है। जैसे हम बोलते हैं अय्यार, तो इसको हम अय्यार ही बोलेंगे। जैसे कि अय्यार अपना चेहरा बदल देता है तो हम उसे पहचान नहीं पाते, उसी तरह हमारे शरीर में जब हम वैक्सीन लेते हैं या जब हमें इन्फेक्शन होता है तो हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाता है उस वायरस के अगेंस्ट में, ताकि जब भी इन्फेक्शन हो तो उससे हम हमारा शरीर के जो एंटीबॉडीज हैं वो उससे लड़ सके। तो जो एंटीबॉडीज हैं वो टारगेट करते हैं कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के 3 एरियाज को, कि इन 3 एरियाज को पहचान के हम उस पर अटैक करेंगे। अब इस ओमाइक्रोन ने क्या किया कि इन 3 एरियाज को बदल दिया है, तो अब हमारे जो सेल्स हैं शरीर के, जो एंटीबॉडीज हैं, वो उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए इस ओमाइक्रोन वेरिएंट का रास्ता आसान हो जाएगा हमारे शरीर को इन्फेक्ट करने के लिए। इसीलिए इसका ट्रांसमिशन, मतलब इसका जो फैलने की गति होगी वो तेज हो सकती है, और इसका एक कहा जाता है इम्यून एस्केप मैकेनिज्म। इम्यून एस्केप मैकेनिज्म का मतलब जो शरीर हमारा प्रिपेयर्ड हुआ इन्फेक्शन से या वैक्सीन से, अब वो ये वायरस उसको एस्केप करके, उसको चकमा देके वो निकल जाएगा और हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है। शायद इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक टिपिकल टर्मिनोलॉजी दी है जिसको बोलते हैं वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। वेरिएंट्स दो तरह के WHO का टर्मिनोलॉजी है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जिसे हमें जानना चाहिए कि ठीक है ये नया वेरिएंट है, और एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, मतलब कि इसके बारे में हमें कंसर्न रहना पड़ेगा, इसके बारे में हमें एहतियात ज्यादा बरतनी पड़ेगी। तो इतने सारे थे, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, एप्सिलन, बहुत सारे वेरिएंट ऑलरेडी थे हमारे पास, तो वो सब ने तो कुछ ज्यादा नहीं किया। जी नहीं, उन्होंने काफी कुछ किया हमारे लिए। अब अगर सिर्फ डेल्टा वेरिएंट को देख ले तो आज के डेट में जो सबसे 99% से ऊपर जो इंडिया में जो प्रीवलेंट वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट है, और वो डेल्टा ही वेरिएंट है जिसने हमारे इंडिया में अप्रैल 2021 में केओस मचाया। तो डेल्टा वेरिएंट में कितने म्यूटेशंस थे? केवल 18 म्यूटेशंस थे, और ओमाइक्रोन में टोटल 43 म्यूटेशंस है। तो आप समझ सकते हैं इसकी चकमा देने की जो ताकत है वो काफी ज्यादा है, मतलब कि हमारे वैक्सीन इसके इफेक्ट में आएंगे नहीं आएंगे ये बोलना थोड़ा मुश्किल होगा। और अभी तक टोटल 145, मतलब 145 कंफर्म केसेस पाए जा चुके हैं अक्रॉस द वर्ल्ड इस ओमाइक्रोन वेरिएंट के, और काफी कंट्रीज में स्प्रेड है। शायद इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने 6 या 7 कंट्रीज से अपने फ्लाइट्स को बंद कर दिया है, ताकि इस ओमाइक्रोन वेरिएंट के स्प्रेड को रोका जा सके। तो बेसिकली ये 43 जो म्यूटेशन है, इससे एक तो ट्रांसमिशन बढ़ सकता है, दूसरा हमें री इन्फेक्शन हो सकता है, वैक्सीनेटेड पीपल को ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। सिवियरिटी अभी तक हमें पता नहीं है कि कितनी सिवियर होने वाली है ये बीमारी, और इसमें हमें हमारी ये वैक्सीन काम करेगी कि नहीं, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। शायद इसीलिए वैक्सीन बनाने वाली बड़ी जायंट्स जैसे कि फाइजर या जॉनसन एंड जॉनसन, इन्होंने बूस्टर डोसेस की बात कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं इवन स्पुटनिक की तरफ से ये आश्वासन आया है कि वो अपने वैक्सीन को रीवैम्प करेंगे ताकि उसमें इस ओमाइक्रोन वेरिएंट को भी कवर किया जा सके। अब अभी तक जो अवेलेबल वैक्सीन हैं वो इस वेरिएंट के लिए कितने कारगर हैं वो अभी तक हमें कम से कम 3 से 4 हफ्ते चाहिए होंगे ये देखने के लिए कि वो कितने कारगर होंगे। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? एहतियात बरतें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क पहने रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, और हाथ धोते रहें। एक और चीज, अपने जो जो भी जहां भी हम लोग रहते हैं उसका वेंटिलेशन एडिक्वेट रखें,
ताकि इसका ट्रांसमिशन कम से कम हो सके और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते रहे। आगे जैसे और इसके बारे में अपडेट्स रिसर्च आएंगे, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच।